नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के डेट में पैसे कमाना जद्दोजहद है, बहुत मुश्किल हो गया है। सो आजकल लोग शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा किस्मत आ रहे हैं। यही सोच करके मैं भी 3 साल पहले स्टॉक मार्केट में गलती से आ गया था। दरअसल मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना था, बट मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे और मैंने SIP करना ठीक समझा, तो मैंने 2000 रुपए की मैंने कुछ SIP की। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पेटीएम मनी पे स्टॉक का कुछ हिसाब किताब चल रहा था, तो उस पे स्टॉक में पैसे डालने के ऑप्शन भी इनेबल हो गए। तो मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रखे थे, मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे, या तो मैं SIP करता या तो मैं कुछ बड़ा गेम देखता। तो मैंने गलती से फ्यूचर ऑप्शन में 2000 रुपए डाल दिए, कॉल ऑप्शन बाय किया था, और देखते ही देखते मुझे 1000 का प्रॉफिट हो गया। मैं शॉक रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी 20 रुपए वाला स्टॉक खरीदो 30 पैसे चला जाता है, आपके इतने पैसे बन जाते। तो मैंने भी ऐसे ही किया और उसके बाद दिन बहुत खुश हुआ मैं। फिर मैंने कुछ स्टॉक्स भी लिए, फिर मैंने थोड़ा इसके बारे में जानकारी ली, डिलीवरी वगैरह लिया, उसके बाद मैंने और पैसे इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट था मेरा, बट फ्यूचर ऑप्शन में आगे जाकर लगभग 1 साल के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान, और ये नुकसान होता चला गया क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं। तो नॉलेज ना होने के कारण मैंने बहुत बड़ा लॉस खेला और टाइम तक खेला, और उसके बाद मैंने यूट्यूब से और इधर उधर बहुत कुछ स्टडी की, बहुत से बुक्स पढ़े। बुक्स पढ़ने के बाद मैंने खुद स्टॉक में स्टडी करना शुरू किया, कैंडल चार्ट पैटर्न वगैरह सब कुछ मैंने रीड किया और फिर पेपर ट्रेड किया। और उसके बाद आज के डेट में मैं डिलीवरी में, ओनली डिलीवरी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और ट्रेडर हूं नहीं कह सकता, मैं एक स्टूडेंट स्टॉक मार्केट में एक स्टूडेंट हूं जो कि सीख रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी लोग सीखे, इन्वेस्टमेंट करें, अपने वेल्थ को बढ़ाए और अपनी लाइफ की जर्नी को थोड़ा आसान करें। तो अगर कोई जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट की स्टडी सीखना चाहता है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो मेरे चैनल पे डेली की डेली विजिट कर सकता है, और मैं डेली की डेली इस पे स्टडी पोस्ट करता रहूंगा जिससे कि आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो सके। और जो लोग नॉलेजदार हैं वो कमेंट करके मुझे भी सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ और ज्यादा सीखना चाहता हूँ। हालांकि मुझे स्टॉक मार्केट में 3 साल हो चुके हैं, फ्यूचर ऑप्शन से लेकर के स्टॉक तक मैंने सब कुछ कर रखा है, और लॉस भी बहुत झेला है और प्रॉफिट बहुत झेला है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे लॉजिक को आप लोग समझें और आपके लॉजिक को मैं समझूं। तो अगर मेरी स्टडी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में भी अगर मेरी हेल्प करें, तो कहीं ना कहीं मेरे टाइम का बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है, और मैं आपका भी एहसान मंद रहूंगा। तो अगर आप डेली की डेली मेरी चैनल पे स्टडी, मेरी स्टडी को अगर देखना चाहते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो मैं सबको यही कहूंगा कि दोस्तों प्लीज इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, डरे नहीं, और जितना हो सके उतना ही करें। अपनी जमा पूंजी का, या यूं कह लीजिए कि अपनी सैलरी का ओनली 10% पर मंथ इन्वेस्टमेंट में जरूर योगदान करना चाहिए, जिससे कि आपके आने वाले टाइम में कुछ नॉलेज भी मिल सके और आपका डर भी बाहर निकल सके और कुछ प्रॉफिट भी हो सके आने वाले समय में। और इसकी जानकारी आपको यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग है जो पूरे विस्तार में दे देंगे। तो चलिए इस जर्नी को यहीं से स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा डेली की डेली
अपनी स्टडी इस चैनल पे पोस्ट करता रहूं। तो अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के और भी वीडियो और मेहनत करूं, क्योंकि ऐसे भी मैं पहले 18 घंटे मेहनत कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में बाकी लोग भी मेरे स्टडी से जो है सीख करके अपना स्टडी का टाइम कम कर सके और उसमें जो चीज जानने की है वही जाने, जो चीज जानने की नहीं और जो चीज जानने की जरूरत नहीं है उस पे अपना टाइम खराब नहीं करें, आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। चलिए फिर डेली इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत करते हैं और स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्त। आइए मैं आपको अपने लैपटॉप पे चार्ट पे लेके चलता हूँ किसी और उसकी स्टडी करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करनी है तो सबसे पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा और सीखने में आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल 10 साल जितना चाहे उतना लग सकता है। जैसे एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है फिर भी वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो पाता, इसी तरह ये भी है। इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अपनी संपत्ति को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और बहुत सारे ज्ञान की जरूरत होती है और बहुत सारे पेशेंस की भी जरूरत होती है। एक बहुत ही शांत माइंड चाहिए इसके लिए, बहुत ही स्टेबल माइंड चाहिए। अगर स्टेबल माइंड नहीं है, अगर आपका मन भटकता है किसी भी वजह से, तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका माइंड शांत होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, जिससे कि कम से कम आप इसकी स्टडी कर सके, इसके लेवल्स निकाल सके, इससे न्यूज से अपडेट रह सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेली अगर छोटा प्रॉफिट कमाना है तो आप मेरे चैनल पे आकर के डेली के डेली लेवल्स देख सकते हैं, स्टडी देख सकते हैं कि मैं किस तरह से डेली के डेली स्टडी करता हूँ और उसके बाद डेली के डेली ट्रेड करता हूँ। तो आपको अगर मेरी स्टडी अच्छी लगती है, अगर मेरे साथ साथ आपको भी स्टडी करनी है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ और सीखते सीखते अब तक मुझे 3 साल हो गए हैं और खुद से सीख रहा हूँ, किसी को सिखाना तो नहीं सीख रहा हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत से लॉसेस किए हैं, लगभग मेरे खुद की जमा पूंजी चली जा चुकी है, ठीक है, और अब जाकर के मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ और मैं सांस के साथ अपने साथ जितने भी हैं उन सबको भी चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह ही सीखें और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहे। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई भी बिना सीखे और बिना बहुत सारे प्रॉफिट के कैपिटल के बगैर जो है ऑप्शन ट्रेड करें। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में होल्डिंग और डिलीवरी में काम करना सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें काम करता हूँ और डेली अगर किसी को बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो कृपया मेरे हम जोड़ के निवेदन है कि वो इस चैनल को छोड़ दें, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही दिन में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बताएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, खास करके मैं खुद तो नहीं करूंगा कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह से लोगों को डरवा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि लोग इस चीज को कहीं से भी फॉलो करें कि वो स्टॉक मार्केट में आए पैसा लोग क्या है और एक ही दिन में बहुत सारा पैसा कमा के चले गए। ऐसा होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है, ये कोई फिक्स नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। फिक्स है तो सिर्फ आपका स्टडी, क्योंकि सबका बेसिक एक ही होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का बेस सब सेम है, बस हर स्टॉक की स्टडी अलग अलग होती है, किस स्टॉक में आपको काम करना है, किस स्टॉक में आपको काम
कैसे करना है ये चीज आपको स्टडी करके पता चलती है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्यों करना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको मेरे हर एक प्रत्येक स्टॉक की स्टडी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, और सबकी स्टॉक की स्टडी मेरे ख्याल से सेम होगी, बट यहाँ पे लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं, क्या मेरा लॉजिक होगा, आप लोग भी अगर सीख रहे होंगे तो आपका लॉजिक क्या है, अगर इससे आपको हेल्प हो सके तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो करें, मैं आपको फॉलो करूंगा। अगर आपको किसी को अगर मुझसे ज्यादा अगर नॉलेज है तो आप मुझे बता सकते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि मेरे तो अभी 3 साल हुए हैं स्टॉक मार्केट में, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मेरा छोटे छोटे प्रॉफिट डेली में कर लेता हूँ। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्टडी आपके किसी काम आ गई है और आप मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरी स्टॉक की स्टडी तो आप एनालाइज कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं औरों को भी दिखा सकते हैं, और मेरे प्रॉफिट करने के तरीके को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी को भी कोई स्टॉक बाय करने की या सेल करने की परमिशन या अनुमति या ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्टडी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि लोग मेरी स्टडी को देखें, और कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब पे आने का यही मकसद है कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें, अपनी वेल्थ को क्रिएट करें, फालतू का पैसे बर्बाद न करें, कुछ स्किल्स सीखें। अगर इसमें किसी का नुकसान भी होता है तो नुकसान उस तरीके का होगा कि मेरी स्टडी से नुकसान उनका उस तरीके का होगा जितना वो लोग पान खाते खुश देगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका पैसा ही आपके काम रहेगा। और बात